वन मंत्री के जिले में फॉरेस्ट के अधिकारी का जो वीडियो सामने आया है उससे वन विभाग सवालों में घिर चुका है। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, अवैध रेत तस्करों से महसूल के अधिकारी, पुलिस के जवान, वन विभाग के कर्मियों से साठगांठ होने की खबरें हमने आज तक सुनी होगी, किंतु आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे वन विभाग की साफ प्रतिमा धूमिल हो गई है। मराठी में एक कहावत है, कुंपन क्षेत खाते तेवा। वन विभाग का आरओ, जिसे क्षेत्र सहायक भी कहा जाता है, उसी आरओ की वर्दी में तैनात ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में आने वाले वडाला रेंज के सागल देवकुटी क्षेत्र का शेख नामक क्षेत्र सहायक पर रेत तस्करों से साठगांठ कर प्रोटेक्शन के बीच रेत के ट्रैक्टर पास करवाने का गंभीर आरोप लग रहा है, जिस पर अब कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। हमारे पास सागल देवकुटी फॉरेस्ट क्षेत्र से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक खाकी वर्दी पहना हुआ शख्स ट्रैक्टर के आगे ट्रैक्टर चालक के बाजू में बैठा हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर चलती रहती है, ट्रैक्टर में रेत भरी हुई है, जिसे वहां से गुजरते किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरा में कैद किया है। वीडियो देखने से लग सकता है कि शायद उस ट्रैक्टर को फॉरेस्ट के अधिकारी ने पकड़ा है, जिसे फॉरेस्ट ऑफिस लेकर जा रहा होगा, किंतु आपकी वो सोच गलत है। हमारे सूत्र के माध्यम से जो जानकारी सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। जो शख्स खाकी वर्दी में ट्रैक्टर पर बैठा नजर आ रहा है, सिर पर कैप है, कैप पर फॉरेस्ट का सिंबल है, उस शख्स का नाम शेख बताया जा रहा है, जो आरओ यानी क्षेत्र सहायक की पोस्ट पर सागल देवकुटी फॉरेस्ट क्षेत्र में तैनात है, जो फॉरेस्ट के इलाके से रेत की तस्करी करने वालों को खुद प्रोटेक्शन देकर वहां से रेत से भरी ट्रैक्टरों को पास करवाता है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो सामने आने से अब आरओ यानी क्षेत्र सहायक शेख पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। फॉरेस्ट से रेत तस्करी और वन अधिकारियों की मिलीभगत की पोल खोल जारी रहेगी। क्षेत्र सहायक शेख की मिलीभगत की पूरी खबर जल्द होगी आपके सामने। आप देखते रहिए VL24 न्यूज़।